हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति सो आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली डील करता है सिर्फ एक टॉपिक को दैट इज मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया ओके दीज आर सम रेफरेंसेस ओबेलिया का मेटाजेनेसिस पढ़ने से एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ओबेलिया का ओबेलिया को जनरली सी फर के नाम से भी जाना जाता है ये एक मैराइन मतलब सी वाटर में देखिए दो, दो तरीके को हो गया ना एक तो फ्रेश वाटर हो गया जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है दूसरा होता है सी वाटर या मेराइन वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है तो ये मेराइन वाटर में पाया जाता है एंड इट इज अ कोलोनियल कोलोनियल मतलब ये रहेगा आपका कोलोनीज बना के अकेला नहीं रहेगा मान लीजिए एक इंडिविजुअल अकेला ग्रो नहीं कर सकता है ये एक कॉलोनी बना के रहता है ओके okay? डायसियस दैट इज मेल एंड फीमेल रिपोर्डक्टिवर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं अगर आप रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर के प्रेजेंस के बेसिस पे देखें एक तो हो गया मोनोसियस एक हो गया डायोशियस मोनोशियस मतलब एक ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा प्लस इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा ये मोनो मोनोशियस होगा अगर आपने कभी अर्थफॉर्म का एनार्टमी पढ़ा होगा तो आप वहां पे देखते हैं कि उस अर्थफॉर्म के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं इट हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सो इट इज मोनोशियस दोनों एक में है बट डायोशियस में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं तो यहाँ पे आपको दो इंडिविजुअल देखने मिलेंगे किसमें Uh, आपका ओबेलिया में। ओबेलिया जीनस इनवर्टिब्रेट निडेरिया से बिलोंग करता है, इसका है और ये इनवर्टिब्रेट है जीनस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओशियंस इज रिप्रेजेंटेड बाई मैनी स्पीशीज इस जीनस के अंदर ये पूरा ओशियंस में फैली हुई है एंड इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आती है

तो so, यही लिखा है कि एनिमल बिगम लाइफ एस पॉलिप इनका जो लाइफ लाइफ साइकिल है लाइफ फॉर्म है ये कैसे स्टार्ट करता है पॉलिप स्टेज से इनका स्टार्ट होती है पॉलिप जो जिसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं एक स्टॉक लाइक फॉर्म है उनका ट्यूब लाइक -like सा जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे और ये स्मॉल सी एनिमोन की तरह दिखता है ठीक है अटैच टू दॉशन ओशन के बॉटम से ये अटैच होगा ओके okay? या फिर सॉलिड सर्फेस सेडेंट्री बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो सबस्ट्रेट से अटैच्ड होकर रहते हैं पॉलिप इ सेक्सुअली प्रोड्यूस मेड्यूसा और जेलिफिस पॉलिप एक स्टेज है एंड दूसरा स्टेज इसमें आता है मेड्यूसा का uh, मतलब फॉर्म है ओके okay? पॉलिफ से मेड्यूसा फॉर्म्स वैक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है विथ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली प्रोडक्शन पॉलिप इज एक्चुअली प्रोड्यूस मेड्यूसा ओके तो इसी के बारे में हमने डिटेल में कवर करना आगे ओबेलियम मेड्यूसर रिलीज स्प इन टू सराउंडिंग वॉटर एंडल्टिंग टू प्रोड्यूसर ब्रांचिंग कॉलोनी कॉल पॉलिप देखिये इन शॉर्ट में ये बोल रहा है कि आपका जो मेल मेड्यूसा होगा और फीमेल मेड्यूसा होगा ये रिलीज करेगा स्पम इट विल रिलीज ओम और एग ये फर्टिलाइज करेंगे फर्टिलाइज करके जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू डायगॉट बनेगा जयगॉट के बाद जो भी स्टेज आएगा इसमें एक लार्वा का स्टेज आएगा वो लार्वा है आपका सीलिएटेड सीलिया रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए और सीलिएटेड फॉर्म से बनेगा आपका पॉलिफॉर्म ये इन शॉर्ट है और इसी चीज को हमने यही प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है ओके नेक्स्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो कॉल्ड मैटाजेनेसिस और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस या फिर हाइट्रोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है इट रिफोर टू द अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल फेज एंड ई सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेजम क्या समझते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से कि, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में उसके ए सेक्शुअल फॉर्म और सेक्शुअल फॉर्म्स के बीच में अल्टरनेशन होना मतलब एक आपका ए सेक्शुअल फॉर्म होगा एक आपका सेक्शुअल फॉर्म होगा ए सेक्शुअल से सेक्शुअल फॉर्म में जाना और सेक्शुअल फॉर्म से ए फॉर्म में जाना दिस इज वट वी आर कॉलिंग अल्टरनेशन इन जनरेशन और अमेटाजेनेसिस ओके द टू फेजेस और जनरेशन आर ऑफ ऑन मॉर्पोलॉजिकली और समटाइम ये हो ही सकता है कि ये दोनों जो फॉर्म्स है येक्शुअल uh, uh, वाली फॉर्म्स जो है ये दोनों ही मॉर्पोलॉजिकली भी डिफरेंट हो और क्रोमोजोम के लेवल पे देखा जाए तो भी डिफरेंट हो तो हमें ओबेलिया में पढ़ना है तो ओबेलिया में दो स्टेजेस पाई जाती है पॉलिप एंड मेड्यूसा दो फॉर्म्स है तो सबसे पहले पॉलिप के बारे में पढ़ते हैं इट इज असाइल स्टेज ससाइल या सिडेंट्री जो की आपका सबस्ट्रेटम या आ, किसी भी सॉलिड सरफेस से अटैच होकर रहेगा मान लो ये ऑर्गेनिज्म कभी भी आपको वाटर फ्रीली करता नहीं दिखेगा अटैच रहेगा और इसी तरीके से ग्रो करेगा लाइक वेयर माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स ये लाइक होता है इसके माउथ किससे होंगे टेंटिकल से सराउंडेड होंगे अगर आप ये फर्स्ट पेज देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करा है आपका है, आप देख सकते है, tube like है, क्या कर सकता है मोशन ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है जैसे ये नहीं जा सकता पॉलिक फॉर्म एक जगह पे स्टेबल रहेगा लेकिन मेड्यूसा एक ऐसा फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है मेल एंड फीमेल मेड्यूसा लुक सेम जो कि मेल है और फीमेल मेड्यूसा दोनों दिखने में मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम ओके टेंटिकल्स हैव एंड ग्रेविटी डिटेक्टिंग ऑस्टियोसाइट्स इनके जो टेंटिकल्स होते हैं अगर आपने मेड्यूसा का फॉर्म देखा होगा तो तोलेफेस इस तरीके से फॉर्म होता है तो इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं दीज आर द टेंटिकल्स इन टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट की परसीविंग के लिए रिस्पांसिबल है और ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है जो कि ग्रेविटी को डिटेक्ट करेंगे इट इज अ बेल शेप्ड स्टेज आप देख पा रहे हैं कि बेल शेप स्टेज है प्रोड्यूस थ्रो ए सेक्शुअल मीन्सियसली किसके थ्रू ये ए सेक्शुअल मतलब जब पॉलिप ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तब मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है दैट्स इट पॉलिप का फॉर्मेशन करता है जब मेड्यूसा पॉलिप का फॉर्मेशन करता है तो वो करता है थ्रू सेक्शुअल मीन्स तो इन शॉर्ट हमने अभी ये देखा इसी को डिटेल में डील करना है कि मेड्यूसा सॉरी ओवेलिया की दो फॉर्म्स हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा पॉलिप जो फॉर्म है वो सबस्टेटम से अटैच रहती है जबकि ये प्री फॉर्म है इसमें आपको एक मेल मिल जाएगा और एक फीमेल ओके पॉलिप का मेड्यूसा बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और मेड्यूसा आपका पॉलिप बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज मेड्यूसा में दो फॉर्म्स होते हैं मेल एंड फीमेल ओके दो इंडिविजुअल पाए जाते हैं तो एक बार यहाँ पे देखते हैं फिर इसको इसको टैली करेंगे ओके okay? ओके okay. uh, अच्छा पहले ये ना एक ये वाला पोर्शन डील कर लेते हैं चलिए पॉलिप फाउंड एज अ फॉर्म विच इज अटैच टू द सर्फेस ऑफ सब्सट्रेट पॉलिप एक ऐसा फॉर्म है जो सब्सट्रेट की सरफेस से अटैच्ड रहता है मैच्योर कॉलोनी ऑफ पॉलीप इज कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोज़ोइड्स पेडिंग पॉलिप, गोनोज़ोइड्स एसेक्सुअल ज़ोइड असेक्सुअल ज़ोइड इट कंसिस्ट ऑफ मेड्यूसा बड एंड देयर आर सम दैट आर स्पेशलाइज फॉर द डिफेंस ओके हमें ये पता है कि पॉलिप एक कैसा फॉर्म आम, क्या है सब्सट्रेटम से अटैच रहता है तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है लेकिन हमें ये भी पता कि दीज आर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ये कैसे बना के रहते हैं कॉलोनीज बना के रहते हैं तो कॉलोनीज में क्या होता है मान लीजिए पॉलिप का कॉलोनी है इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे उन्हीं को जुवाइड्स कहा जाता है एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसे क्या कहेंगे अगर आप जुआइड का डेफिनेशन देखना चाहें तो एन एनिमलर बाई बलीजुअल विच मेक अपलोनियल ऑर्गेनिज्मिव डिफरेंट फॉर्म एन फंक्शन इस कॉलोनियल फॉर्म का जो हर एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज जुआइड ओके ये जुआइड है ये मिलकर क्या बना रहे हैं कोलोनीज बना रहे अब इस कॉलोनी में ना फंक्शन डिवाइडेड होते हैं मान लीजिए ये फर्स्ट टू थ्री फोर ये जो वन टू थ्री फोर ये जो ये जो पॉलिप्स ये जो जुआइड हैं, दीज आर गेस्ट्रोजुआइड इट मीन्स ये जो जुआइड्स है इनका मेन काम क्या है फीडिंग करने का ये रिस्पॉन्सिबल है फीड करने के लिए ये फीडिंग करेंगे और इनकी फीड करने की वजह से पूरा जो भी आपका पॉलिप है मेच्योर कॉलोनी वो ग्रो करेगा वहीं जो फाइव सिक्स सेवन है ये तीन ऐसे जोइड्स हैं दैट आर गोनोजोइड्स गोनोजोइड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है मेड्यूसा बर्ड अब मेड्यूसा बर्ड है इट मीन्स इस बर्ड से फॉर्मेशन होगा किसका मेड्यूसा का तो दे आर दे आर बट दे आर प्लेइंग देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ओके और हो ही सकता है कि एट नाइन टेन ये जो बचे हुए हैं दीज वर्ड आर प्लेइंग देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ओके okay, तो होता है क्या है कि एक एक जो पॉलिप कॉलोनी होती है उसमें बहुत सारे जुआर्ड्स हैं जैसे गोनोजुआइडोइड्स है, और जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है ये सभी का अपना अपना फंक्शन होता है तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि मैच्योर कॉलोनी ऑफ पॉलिप कंसिस्ट ऑफ दैट इज फीडिंग पॉलिप ऐसे पॉलिप जो फीड करते हैं गोनोजोइड जो सेक्सुअल जुअर्ड है क्यों बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मेड्यूसा बर्ड एंड देयर आर सम दैट आर स्पेशलाइज फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म ओके नाउ और फीमेल okay? तो uh, भी हो सकता है मेल एंड फीमेल मेड्यूसा मोर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड कैन बी डिस्टिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोन एट्स इनमें जो आप, आप पहचान नहीं पाएंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है मतलब बाहर से उनका जो फिजिकल अपियरेंस है वो बिल्कुल सेम होता है आप ये बता नहीं सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है सिर्फ बोनाइट के बेसिस पे ही ये बताया जा सकता है कि कौन सा मेड्यूसा फॉर्म फीमेल फॉर्म है और कौन सा मेड्यूसा मेल है ओके स्पर्म इज रिलीज फ्रॉम द मेल मेड्यूसर एंड ओवम इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल मेड्यूसर जो स्पर्म है वो मेल मेड्यूसर रिलीज करेगा और जो ओवम है वो फीमेल मेड्यूसर रिलीज करेगा अब

तो प्लेनल लार्वा ना कुछ टाइम तक स्विमिंग स्टेज में रहता है फ्री स्विमिंग स्टेज में रहता है उसके बाद इवेंचुअली गेट अटैच टू द सर्फेस ऑफ द सब आफ्टर विच इट क्विकली गेट कन्वर्टेड इन टू फीडिंग पॉलिप जैसे ही वो जो प्लेनल लार्वा है वो फ्री लिविंग है तो वो कुछ टाइम तक वॉटर में फ्रीली मूव करेगा कुछ टाइम बाद वो जाके किसी सॉलिड सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है और जैसे ही वो सरफेस पे अटैच हुआ अब वो ग्रो होने लग जाए और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है फीडिंग पॉली पे क्योंकि एक जगह पे रह के अगर उसने ग्रो करना है तो उसको पीड करना होगा अब अभी तक तो वो मोशन कर रहा था इधर उधर तो जाके वाटर में जो जितना भी उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रे था वो उस पर फीड कर ले रहा था लेकिन इसीलिए अब क्या होगा कि क्योंकि उन्हें पॉलिप स्टेज में चेंज हो रहा है तो सबसे पहले कौन सा पॉलिप स्टेज में चेंज होता है फीडिंग पॉलिप पे ओके पॉल पॉलिव की ग्रोइंग एंड टर्स इन टू ब्रांचेस पॉलिप ग्रो करता रहेगा उसमें गोनोडोज बनेंगे बने गया वो, उसमें और के लिए, ऐसे बनेंगे, and finally, polyp का जनरेशन हो जाएगा सेक्शुअल प्रोडक्शन चलिए इसे फाइनली डाइग्राम के थ्रू समझते हैं आ, यहां से लेके चलते हैं ठीक है ये फुली डेवलप क्या है पॉलिव फुली डेवलप पॉलिव है इसमें क्या हो गए गोनोजॉइड्स हो गए This is gonzoids. Gonzoids है, मतलब इसमें क्या होगा मेड्यूसा बर्ड होगी उस मेड्यूसा बर्ड से एक फीमेल मेड्यूसा निकला है और एक मेल मेड्यूसा देख रहे हैं यहाँ दोनों मोर्फोलॉजिकली सिमिलर है डिफरेंट दिखाने के लिए कलर में डिफरेंस रखा गया है तो ये जो फीमेल है यहाँ से इसे एग मिलेगा और मेल से स्प आएंगे एग एंड स्पम मिल के क्या बनाएगा अंडर गो क्लीविच

फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करेंगे इसको आ, और इसको मोशन में भी ओके okay? उसके बाद ये जो काफी टाइम ये या कुछ एक डेफिनेट पीरियड का टाइम अपना स्विमिंग में फ्रीली फॉर्म में रहने के बाद ये सेटल डाउन हो जाता है इसे मान लीजिए ये कोई बेस मिल गया है तो यहाँ पे आके ये अटैच्ड हो जाएगा अटैच होते ही ये यंग पॉलिप में चेंज हो जाता है और हमने पढ़ा था कि यंग पॉलिप में भी कौन सा स्पेशल फीडिंग पॉलिप है अभी फीडिंग पॉलिप है ये डेफिनेट ग्रो करता रहेगा ग्रो करेगा फीड करके ग्रो करेगा इससे और पॉलिप और ब्रांचेस भी निकलेंगी और फाइनली इट विल टर्न इन टू फुल्ली डेवलप पॉलिप और इसी तरीके से इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है सो आई होप कि मेरा ये वीडियो यूजफुल रहा होगा आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा पसंद आया देन डू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन एंड अगर आपको मेरे जो वीडियोस पे जो लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं इनके नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल दैट इज बायोलॉजी विद जागृति वहाँ पे मैं अपने रेगुलर बेसिस पे नोट्स जितने भी यहाँ पे वीडियोस हैं उन सभी के वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है एंड थैंक यू